जी हाँ, तो अपन AIA PGT की बात करेंगे कि जो PG की जो एग्ज़ाम है उसको अपन किस प्रकार से उसके लिए प्रिपेयर करें, UG के साथ साथ ही अगर अपन UG कर रहे हैं तो उसके साथ उसको किस प्रकार से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या उसकी स्ट्रेटेजी रहती है, और जो अपने UG के सब्जेक्ट्स हैं उनका किस प्रकार से PG के एग्ज़ाम में रोल रहता है। सिर्फ PG की बात नहीं कर रहे, इसके अलावा जैसे UPSC AMO हो गई, ठीक, इसके अलावा अपनी स्टेट AMO की एग्जाम्स होती रहती हैं, ठीक है, उन सब की बात अपन करें तो सभी का जो है लगभग जो पैटर्न रहता है वो ऐसा सा ही रहता है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, तो सबसे पहले अपन बात करें कि हो सकता है कि आप पहली साल में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, है ना, या फिर फाइनल ईयर में हो, या फिर अपन कहें कि आप इंटर्न भी कर रहे हो। तो सभी लोगों को जो PG वगैरह की एग्ज़ाम होती है उनका नॉलेज अलग अलग समय पर होता है, ठीक है, अगर जितना पहले हो उतना ही अच्छी बात है ना। तो ये है, तो सबसे पहले चीज़ आती है कि हम प्रिपेयर करें कैसे, ठीक है। कुछ लोगों को तो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है, भाई PG मान लीजिएगा, चलो अपन ठीक है PG की तैयारी करेंगे, इतना सोच लेते हैं, अब करेंगे कैसे, इतनी जो बड़ा सिलेबस है ना, उस सिलेबस में भी श्लोक्स वगैरह इतने ज़्यादा आते हैं कि मतलब ये नहीं सोच पाते कि स्टार्ट अपन करें कैसे और क्या याद करना और क्या नहीं करना है। तो इसके लिए देखिए प्रिपेयर करना कैसे अपने को वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज़ होती है, स्ट्रेटेजी होती है कि पढ़ें कैसे, पढ़े कैसे चीज़ों को, ठीक है। संहिताएं हैं, बहुत बड़ी संहिताएं हैं, बहुत ज़्यादा श्लोक हैं, तो किस प्रकार से उनको पढ़ना है। दूसरी चीज़ ये है कि वेटेज क्या रहता है, ठीक है, वेटेज कितना रहता है, कौन से सब्जेक्ट्स का कितना रोल रहता है, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो ज़रूरी रहती हैं आप अपन जब भी प्रिपेयर करने के लिए जाते हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि PG के सिलेबस में जो है इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा, जैसे चरक संहिता हो गया, सुश्रुत संहिता हो गया, अष्टांग विधि, जिनको अपन कम्युलेटिव क्या कह देते हैं, बृहत्त्रयी कहते हैं, है ना, बड़ी संहिताएं, या फिर अपन कहें बाकी जो होती है लघु त्रयी होती है, जैसे काश्यप हो गई, भेल हो गई, हारित हो गई। इसके अलावा देखिए कुछ अदर सब्जेक्ट्स हो गए, ये तो संहिताओं की बात कर रहे हैं, इसके अलावा जैसे द्रव्य गुण है, ठीक है, रस शास्त्र है, और इसके अलावा मॉडर्न सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिएगा ये जो मेजर पोर्शन है, अपन पूरा देखेंगे कि क्या सिस्टम रहता है। तो ये जो है ये सब्जेक्ट्स हैं, ये PG के लिए सब्जेक्ट्स हैं कि ये जो सब्जेक्ट हैं वो अपने को प्रिपेयर करने होते हैं। सबसे पहले बात करें अपन इसके थोड़े वेटेज की बात करें, तो जो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता है ये लगभग 50-55% कंटेन करती है। किसका 50? टोटल जो क्वेश्चन है वो आते हैं PG में 120 क्वेश्चन आते हैं, और उनके एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का होता है, तो टोटल मार्क्स हो गए 480, ठीक है। अब मैं बात थोड़ी सी अगर और करूं, तो अगर अपन जनरल कैटेगरी में अगर बात करें तो 480 में से लगभग अपने को एटलीस्ट कोई ठीक ठाक सी सीट अपने को अगर चाहिए तो 300 नंबर आपको टारगेट रखना ही पड़ेगा, 300 नंबर आपको 480 में से लाने ही होंगे, ठीक है, अगर आपको कोई, और बाकी वो जो नंबर है थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर बात करें कि 480 में से या फिर 120 क्वेश्चंस में से किसका रोल कितना है, तो मैं कहूंगा कि लगभग 50% क्वेश्चन, कहने का मतलब 60 क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में से आते हैं, ठीक है, 60 क्वेश्चंस। तो ये कितना हो गया, 120 का आधा हो गया ना, 60 क्वेश्चन। इसके बाद बाकी बात करें अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय में से 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक है, 8 से लेके 10 क्वेश्चन। अगर मैं इन तीनों की बात करूं, मैं सिर्फ और सिर्फ बृहत्त्रयी की बात करूं, तो ये अपना 70 क्वेश्चन जो है वो कंटेन करते हैं, ठीक है। और अगर मैं 70 की बात करूं तो लगभग 280 मार्क्स, 280 नंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ तीनों संहिताओं में से आते हैं। तो यहां से स्पष्ट होता है कि अपने को कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। तो भाई सिंपल सी बात है, अपने को जो तीनों संहिताएं हैं उनको बहुत ही अच्छे से फोकस करना है। इसी चीज के लिए विशेषता है संहिताओं के लिए, जो बृहत्तरी अपनी संहिताएं हैं उसी के लिए हमने जो है एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है, आप उस चाहो तो उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो,
ठीक है, जो उसका जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर ये तीनों की तीनों संहिताएं, विशेषतः चरक और सुश्रुत, क्योंकि अष्टांग हृदय अपन फिर भी देख रहे हैं ये सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चन कंटेन कर रहा है, और इसमें भी अभी अपन आगे बात करेंगे, या फिर मैं यहीं पर आपको बताऊँ कि सूत्र स्थान जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 8 से 10 की बात करें तो इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ सूत्र स्थान से आते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और बात करें तो अगली जो बात करें कि द्रव्य गुण जो है ये डीजी वाला पोर्शन है जो अपन पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें से 6 से 7 क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, डीजी भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, ये ऊपर से इंपॉर्टेंस का जो सीक्वेंस है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ है, ठीक है। अब ये द्रव्य गुण काफी इंपॉर्टेंट है, 6 से 7 क्वेश्चन कैरी कर रही है। रसशास्त्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है वो अभी बात करेंगे। एक बार रफली अपन बात कर रहे हैं वेटेज क्या है, तो 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो रसशास्त्र का है, और मॉडर्न सब्जेक्ट जो है वो 10 to 15 क्वेश्चन कैरी करते हैं। मॉडर्न सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन इनके लिए बात यह है कि जो क्वेश्चन जो आते हैं मॉडर्न के, है ना, जो भी अपने है ना, तो मॉडर्न के क्वेश्चन जो आते हैं वो काफी थोड़ा लेवल उनका डिफरेंट होता है, तो वो अपने को आसानी से आंसर उनके अपन कर नहीं पाते हैं। तो हालांकि इनको जितना अच्छा, अगर आप यूजी में हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, तो इनकी अपन बाद में इतना नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि अपन 10 से 15 क्वेश्चन के लिए जो सिलेबस है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। फिर भी इनको रफली थोड़ा देखा जाता है नोट्स वगैरह से, तो जितने हो जाते हैं वो ठीक है, लेकिन इनको अपन बहुत ज़्यादा फोरश्योर नहीं कह सकते कि अपने 10 से 15 सही होंगे, ठीक है। इसके बाद अगली जो बात है वो है काश्यप संहिता। काश्यप संहिता भी एक लघु त्रय में काफ़ी इंपॉर्टेंट संहिता है, जिसमें से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी कुछ विशेष चीज़ें हैं जो ज़्यादा जरूरी हैं, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसकी बात अभी अपन करेंगे। इसके बाद भेल संहिता और हारित संहिता, ये छोटी संहिता होती है जिसमें से 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं, बस दोनों से मिला के 2 से लेकर 4 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। तो ये संहिताएं इतनी भी छोटी नहीं होती, काफ़ी इनकी नोट्स वगैरह होते हैं, फिर भी 2 से 4 क्वेश्चनों के लिए बहुत लंबा पढ़ें और पता चले कि हो सकता है अपन ने जो पढ़ा उसमें से क्वेश्चन नहीं आए, है ना। तो अपन कहें जो पैट जो अपना स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं वो एक तो बृहत्तरी हो गई, चरक सुश्रुत अष्टांग हृदय, है ना, इसके साथ अष्टांग संग्रह भी रहता है, मतलब अगर आचार्य वाग्भट की बात करें तो अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह दोनों ही रहते हैं, लेकिन अष्टांग हृदय थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद डीजी और रसशास्त्र हो गया, जिसमें से लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास इसमें से आते हैं। तो अगर मैं कम्युलेटिवली बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो शुरू ऊपर की जो 3 चीजें हैं ये 50% है, और ये जो बचा हुआ मामला है ये 50% है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से जो इनका थोड़ा डिवीजन रहता है। अब मैं बात करता हूं थोड़ी सी अलग अलग पर्टिकुलर्स की कि चरक संहिता में क्या इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। आप अपन और भी खुल के बात करेंगे, जैसे सूत्र स्थान के कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी काम हो जाएगा, तो आप ये अपना चैनल ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे भी अपन ये सब बातें बताएंगे, बाकी आप ठीक है व्हाट्सएप वगैरह पे भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ है बात करें चरक संहिता पे बेसिकली कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो देखिए सबसे पहले सूत्र स्थान है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विमान स्थान बहुत इंपॉर्टेंट, शारीर स्थान बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो हो गई चरक संहिता उत्तरार्ध के बाद जो अपन पहला भाग जो पढ़ते हैं, ठीक है, उसकी बात हो गई। इसके बाद सेकंड पार्ट में आते हैं तो चिकित्सा स्थान, चिकित्सा स्थान में विशेषकर 1 से लेकर 15 तक के चैप्टर तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ से अपन आइडिया लगा सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिएगा कोई बंदा जिसकी ये जो चरक पूर्वार्ध का एग्जाम देने वाला है, तो वो बंदा थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर ले, कोई बहुत विशेष अलग से नहीं पढ़ना होता है, उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा समझ के पढ़ लेते हैं, तो यूजी के साथ साथ ही क्या हो सकता है कहीं ना कहीं पीजी के लिए भी अपना एक बेस तैयार हो सकता है, ठीक है। अगली चीज अपन देखें तो वो है चिकित्सा स्थान और सिद्धि स्थान। तो चिकित्सा स्थान का 1 से लेकर 15 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिद्धि स्थान से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं, कल्प स्थान भी है, उधर इंद्रिय स्थान भी, तो उनमें से कभी कभार क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। सिद्धि और कल्प में थोड़ा सा द्वंद्व रहता है, कभी इसमें से आ जाते हैं कभी कल्प में से आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अपन यहाँ पे थोड़ा सिद्धि स्थान ही मेंशन कर रहे हैं। इसके बाद ये चरक संहिता की थोड़ी सी बात की अपन ने, इसके बाद है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता में बात करें तो सबसे पहले सूत्र स्थान, जिसमें 46 चैप्टर है टोटल, जिसमें से 1 से लेकर 20 तक के जो चैप्टर हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो अपने को बहुत विशेष रूप से देखने हैं। इसके बाद शारीर स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्प स्थान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्प स्थान में विशेषतः बात करूं तो शुरू के 1 से लेकर 4 तक जो चैप्टर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो ये अपनी लगभग लगभग बात हो गई। बृहत त्रि की बात कर लूँ, अगर मैं कहूँ कि अष्टांग हृदय में अपने को सूत्र स्थान पे फोकस करना है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे अपन ने बृहत त्रि की बात की, और ये जो मामला अपन ने लगभग देखा है, ये अपन ने 50-60% कवर किया है, लगभग 60 क्वेश्चन, ठीक है जी। हाँ, अब अपन आगे चलते हैं। आगे चलेंगे और सबसे पहले अपन देखते हैं, देखिएगा, अपन ने बृहत त्रि वहां पे देखा, इसके बाद और तीन दूसरे तीन सब्जेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं द्रव्य गुण, ठीक है। द्रव्य गुण में कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है, देखिएगा। सबसे पहले कंटेंट भी आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे कि कौन से आपको पर्याय याद करें, पीछे के बताए जाएंगे पीजी के कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा, आयुर्वेद पीजी की बात करूं अगर मैं, इसकी सबसे महत्वपूर्ण खास बात क्या है कि जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट ही होते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस क्या होते हैं, ओनली रिपीट होते हैं। क्यों? जितने क्वेश्चन बनने थे वो बन चुके हैं, और आयुर्वेद एक प्रकार से एक हिस्ट्री है, एक इतिहास आयुर्वेद। अब जो श्लोक है उसमें से जितने प्रकार के क्वेश्चन बनने थे वो बन चुके हैं, ठीक है। अपने को सिर्फ ये देखना है कि संभावनाएं क्या बनती है यहां से नया क्वेश्चन बनने की, या फिर जो क्वेश्चन बन चुका है उसमें से उसको मॉडिफाइड करके किस प्रकार का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इस प्रकार की चीजों को अपने को देखना है। तो जितने पीछे के क्वेश्चन आ रखे हैं उनको बेस बना के अगर अपन तैयारी करते हैं, तो अपनी आगे के जो पेपर आने वाला है उसके लिए बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। तो बात करते हैं अपन डीजी की, बात अगर अपन करें तो इसमें पर्याय, सिनोनिम्स वगैरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। द्रव्य गुण के अंदर पर रस शास्त्र में भी यही चीज काफी इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। इसके अलावा केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो केमिकल कंपोजिशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनको याद करना होता है। बोटनिकल नेम अपन भी देखते हैं भाई, बोटनिकल नेम जो है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, और अनुपान, ये चार चीजें विशेष रूप से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अब इनकी खास बात, ये चीजें जो है ऐसे नहीं हो सकता कि चलो इस एक महीने तक अपन डीजी पढ़ेंगे और फिर डीजी को खत्म कर दें, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही आप ये सारी जितनी भी चीजें हैं, पर्याय हो चाहे केमिकल कंपोजिशन हो चाहे बोटनिकल नेम हो चाहे अनुपान हो, ये ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आप फ्रीक्वेंटली रिवाइज नहीं करोगे, बार बार रिवाइज नहीं करोगे, तो भूलने के चांस ज्यादा रहेंगे। हालांकि संहिता वाला पोर्शन भी है, उनमें भी श्लोक रहते हैं, बहुत सीधी फैक्चुअल बातें रहती हैं, याद करनी पड़ती हैं एजिट, उनमें भी रिवीजन ज़्यादा जरूरी होता है। लेकिन अगर बात करें द्रव्य गुण और रस शास्त्र, इनमें विशेष रूप से बहुत ही ज़्यादा रिवीजन चाहिए होता है, ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा रिवीजन है ना। तो इसमें क्या रहता है कि जैसे पर्याय याद करने हैं तो दिन के दो याद कर लिए, अगले दिन फिर से कल के दो रिपीट किए, और अगले फिर से दो याद कर लिए, तो इस प्रकार से धीरे 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 एक सीक्वेंस वाइज इनको याद करना पड़ता है, ठीक है, दोनों ही चीजों को। अब इनमें ये चार चीजें अपन ने देख ली। इधर रस शास्त्र में भी चार चीजें हैं, बुक्स और राइटर, ठीक है, बुक है कौन सा, इसका राइटर है, ये चीजें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है सिनोनिम, तीसरा शोधन मारण अपने को याद करने होते हैं, और चौथा सबसे महत्वपूर्ण है पारथ, पारथ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको याद करना रहता है। ये चीजें भी सेम द्रव्य गुण की तरह ही है, बार बार इनके भी रिविजन की आवश्यकता है। कौन सा कंटेंट पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो अपन आपको मतलब हम आपको बता देंगे। इसके बाद अगली जो चीज इंपॉर्टेंट चीज आती है काश्यप संहिता, जिसमें अपन ने कहा था कि इसके भी 8-10 क्वेश्चंस जो है आते हैं, ठीक। तो काश्यप संहिता की बात करें तो इसमें देखिएगा, एक तो धूप अध्याय है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, धूप अध्याय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा लक्षण अध्याय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 40-50 डिजीजेज हैं इसके अंदर, उनके बारे में पढ़ना होता है। इसके अलावा एक पूरे स्थान की बात करें, यह है काश्यप खिल स्थान, ठीक है, जिसके अंदर 80 चैप्टर्स हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये लगभग लगभग मिला के जो है वो 8-10 क्वेश्चन जो है वो कंटेन करता है। तो ये चीजें, यहां तक की जो मैंने चीजें बताई, काश्यप बताया, द्रव्य गुण बताए, रस शास्त्र बताया, और चरक सुश्रुत और वाग्भट बताया, यहां से अगर आप प्रिपेयर करते हो तो लगभग लगभग अगर आप मॉडर्न को आप हटा भी दो, ठीक है, जो कि 10-15 क्वेश्चन बनते हैं, उनको अगर आप एक बार के निकाल भी देते हो तो यहाँ पे आपका एक अच्छा खासा जो है वो पोर्शन तैयार हो जाता है। टोटल जो अपने अगर 120 क्वेश्चन अपन मान के चले, और अगर 20 निकाल दे तो 100 क्वेश्चन अपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं, और जिनके नंबर मिलते हैं 400, और अगर आपके 400 नंबर बनते हैं तो आपकी एक बहुत अच्छी सीट जो है वो सेफ है एकदम, ठीक है। तो ये जो है, ये स्ट्रेटेजी जो है एक हो सकती है, एक
तैयारी करने के लिए, ठीक है। अगर आप इस स्कीम से, इस स्ट्रेटजी से चलते हो तो बहुत सही रहता है। अब बात आती है कि अपन शुरू कहां से करें, ठीक है। देखिएगा, मैं कुछ बातें आपको और बताता हूं। देखिएगा, दो प्रकार के बच्चे हैं। एक तो ऐसे हैं जो कि यूजी कर रहे हैं, यूजी स्टूडेंट है, और एक ऐसे स्टूडेंट है जो यूजी पास आउट है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो अपना सारा सेटअप देख लेते हैं, जरूरत उनको पड़ती है जो एवरेज बच्चे रहते हैं, अपन एवरेज वालों की ही बात कर रहे हैं। यूजी स्टूडेंट है जो यूजी में पढ़ रहे हैं, जो पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल और चौथी साल। अभी आपने जितनी बात की, पहले मैं बात कर लेता हूं पास आउट की। पास आउट इंक्लूडिंग इंटर्न, अगर आप इंटर्नशिप में भी हो तो भी क्या करना आपको, सिंपली आपको चरक संहिता से शुरू करना है। आपको साधारण रूप से चरक संहिता से शुरू करना है, आपको चरक संहिता पढ़नी है, और चरक संहिता में भी आपको उतराव शुरू करनी है सूत्र स्थान से अपना, आराम से धीरे धीरे, ठीक है। और आराम से कंसेप्ट को समझते हुए आपको चलते रहना है, ठीक है। फिर आप चरक करें, उसके बाद आप और सुश्रुत पे भी जा सकते हैं, ठीक है। साथ साथ इनके पैरेलल, जैसे आप चरक थोड़ी कर लें तो उसके साथ साथ पैरेलल आपको द्रव्य गुण और रस शास्त्र, इन दोनों विषयों को साथ साथ में लेते हुए चलना है। छोटी मोटी और भी बातें वो अपन बता देंगे, फिलहाल अपन थोड़ा बड़े लेवल पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई उन लोगों की बात जो इंटर्न कर चुके हैं, वो चरक संहिता से नॉर्मल अपना शुरू करें, फिर सुश्रुत पे जाएं, कंपेरेटिव पढ़ते रहें और आगे चलें। यूजी स्टूडेंट की बात करें तो इनको बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, चीजों को आराम से समझें और थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएं डेली, ठीक है। रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स का ध्यान रखें, जैसे मान लीजिएगा आप पहली साल में हो तो अभी जैसे नया सिलेबस आया उसके हिसाब से तो चरक संहिता भी जो है इंक्लूडेड है, लेकिन अगर मान लो अपन कैसे भी लेके चले तो जैसे अष्टांग हृदय आप पहली साल में पढ़ रहे हो तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप अष्टांग हृदय से शुरू करें, अष्टांग हृदय को थोड़ा कंसेप्चुअल पढ़ें कि इनको किस प्रकार से पढ़ें जिससे अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अप्रोच पे जा सकें, ठीक है। इसके बाद जो है सेकंड ईयर में मान लो अगर हो, ये तो पहली साल का हो गया, मान लीजिएगा सेकंड ईयर में हो तो आप जनरली चरक संहिता अप्रोच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही काम आप थर्ड ईयर में भी कर सकते हो, अगर थर्ड ईयर में हो तब भी चरक संहिता रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा थर्ड ईयर में और भी सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि पीडिया आ गया अपना, ठीक है, कुमार भृत्य आ गया जिसके अंदर काश्यप संहिता जो है वो अच्छे से अपन कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको भी थोड़ा थोड़ा देखते रहें। डीजी और रस शास्त्र अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो इनको पैरेलल चलाते ही रहें, और इनके लिए मैं कहना चाहूँगा अगर आपने पक्का ठान लिया है कि हाँ अपने को पीजी करनी ही है तो चाहे आप किसी भी दौर में रहें, सेकेंड ईयर के बाद जब आपने डीजी और रस शास्त्र पढ़ लिया है उसके बाद आपको ये दोनों छोड़नी नहीं है, धीरे धीरे पढ़ते रहना, चाहे भले दिन में 10 मिनट ही क्यों ना पढ़ो लेकिन ये आपको करते रहना है, ठीक है। एक दो जैसे सिनोनिम देख लिया है ना, कोई कंपोजिशन देखा, ऐसी धीरे धीरे चीज़ों को देखा, एक जात बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है एक साथ में, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करें जैसे भी रेस्पेक्टिव आ रहे, अगर आप फाइनल ईयर के हो तो आपको सिंपली सुश्रुत संहिता शुरू करना है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा, हमने टेलीग्राम चैनल बनाया अभी जिसके अंदर मोस्टली देखिए ज्यादा जो है दो प्रकार के बच्चे हैं। एक तो ऐसे बच्चे जो पे नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा फी वगैरह पे नहीं कर सकते, ऐसे प्रकार के। दूसरे ऐसे बच्चे भी हैं जैसे कि जनरली ऐसी समस्याएं फीमेल कैंडिडेट्स में आ रही है, ठीक है, कि वो जो है एक अजीब सा एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है ना, और ये एक हो सकता है अपना सामाजिक रवैया थोड़ा ऐसा रहा हो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फीमेल कैंडिडेट्स पे ऐसा प्रेशर आ ही जाता है। जैसे ही पास आउट होते हैं तो इंटर्न में जो है उनके पास में यही मान के चलते भाई एक ही साल बचा है अभी कुछ करना है ना, नहीं तो कुछ और प्रकार के दबाव जो है आ जाते हैं, थोड़े बहुत प्रेशर्स। तो उसके लिए क्या होता है, उनके पास एकदम से वो ये भी नहीं कर सकते कि सिर्फ अपने पास में सिर्फ इंटर्न का टाइम है जिसमें अपने को इंटर्न भी करनी है और साथ में प्रिपेयर भी करना है, तो वो कोचिंग भी नहीं ले पाते हैं, तो इस प्रकार के जो बच्चे हैं। तीसरा, जो यूजी कर रहे हैं, यूजी जो कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है, विशेषतः जैसे पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल और चौथी साल, इस प्रकार के बच्चे, इन सब ऐसे बच्चों को टारगेट करके हम लोग जो है ये चैनल क्रिएट किया है विशेष तौर पर ऐसे लोगों के लिए, है ना, जो पीजी के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं या फिर साथ साथ अपनी जो यूजी का जो है उसको भी साथ में लेके चल रहे हों, ठीक है। इंटर्न वाले भी बिल्कुल इंक्लूडेड हो सकते हैं,
इसके बाद अपन बात करें इसमें अपन कर क्या रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले अपन एक तो संहिताओं को लेकर चल रहे हैं, जैसे चरक संहिता हो गया, जनरली जो बेसिक अपना रहेगा वो चरक संहिता का ही रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज है चरक संहिता कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा जैसे मान लीजिएगा कोई फाइनल ईयर के बंदे ज्यादा हो रहे हैं अगर अपने पास, तो अपन सुश्रुत संहिता भी शुरू करेंगे, ठीक है। और हो सकता है अपने पास में अगर अष्टांग वाले ज्यादा रहे तो अपन अष्टांग हृदय भी शुरू कर देंगे। हो सकता है थोड़ी जो फ्रीक्वेंसी है क्लासेस की वो थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है, लेकिन चरक संहिता ही मोस्ट प्रोबेबली शुरू की जाएगी। अगर फाइनल ईयर के बंदे हैं तो उसको सुश्रुत संहिता भी शुरू कर सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें भी थोड़ा लॉजिक है। देखिए, दो प्रकार से पढ़ा जाता है ना, दो प्रकार से। अब आचार्य सुश्रुत हुए, उन्होंने सब कुछ ही बताया है ना, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कौमार भृत्य के बारे में नहीं बताया, वो भी बताया है। लेकिन अब अगर अपन फाइनल ईयर का स्टूडेंट है तो वो कौमार भृत्य वाला पार्ट जो है वो छोड़ दें। तो ऐसे बच्चों के लिए अपन क्या करेंगे, अपन वो चैप्टर भी मेंशन करवाएंगे जो आप फाइनल ईयर में हो और आपकी प्रिपरेशन भी बाधित ना हो और साथ ही साथ आपकी यूजी भी अच्छे से कवर हो जाए। तो उसके लिए कौन कौन से चैप्टर जो ऐसे हैं सुश्रुत संहिता में जो कि आपके फाइनल ईयर में आते हैं फिलहाल, तो वो चैप्टर जो है वो भी अपन बताएंगे और उन चैप्टर्स में से क्या पढ़ना है, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी अपन उनकी भी अपन बातें करेंगे। तो एक ये चीज़ है और यही सेम काम जो है वो चरक संहिता के लिए भी है ना। जी हाँ, तो विशेषता ये सुश्रुत संहिता के लिए, क्योंकि सुश्रुत संहिता पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है। चरक संहिता के पेपर्स होते हैं बाकायदा, सुश्रुत संहिता के डायरेक्ट कोई पेपर नहीं होता है ना। इसमें निकल आते हैं जैसे सालाके का हो गया, सर्जरी जो है इसमें मोस्ट ज़्यादातर रहती है उसका हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें बाकी सब्जेक्ट नहीं, सारे ही सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो ये जो है विशेष काम अपन करेंगे, छोटी संहिताएं हैं उनको भी अपन देखेंगे और साथ ही साथ जो रसशास्त्र और द्रव्य गुण की बातें अपन ने की, ठीक है, इनके कौन से सिनोनिम पढ़ने हैं, क्या इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से चीज़ों को याद करना है, किस प्रकार से चीज़ों को समझना है, कौन से श्लोक से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं, और साथ ही साथ जो पीजी के क्वेश्चंस हैं पीछे के वो भी अपन पूरे के पूरे सोल्व करते रहेंगे, ठीक है। तो ये अगर ये पूरी की पूरी जो अपनी लगभग स्कीम है, और थोड़ा और ज़्यादा अगर आपको जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ से आप जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप डायरेक्टली मुझसे, और आप पूछ सकते हैं जो भी आपकी शंकाएं हैं, ठीक है। तो मैंने लगभग जो जितनी भी जानकारियां थी एक पीजी स्टूडेंट के लिए, ठीक है, वो मैंने आपके साथ साझा की है। ऐसा नहीं है कि आप हमसे जुड़ के ही आप तैयारी करें, लेकिन अगर आप तैयारी करते हैं तो जो सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी है उसको इस प्रकार से रखें जो शुरू में जो है आपको सिलेबस बताया गया है, उनका वेटेज आपको बताया गया है, ठीक है। इसके बाद अगर आप ज्वाइन भी करना चाहते हो तो बिल्कुल आप देख सकते हो, है ना, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसकी भी जो लिंक है वह हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।